और भगवान शिव अकेले का नहीं, यह तीसरा नेत्र जो है ज्ञान का नेत्र होता है। यह हमारे आपके सबके अंदर यह दिव्य ज्ञान का तीसरा नेत्र विद्यमान है, किंतु यह ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलने वाला केवल और केवल सतगुरु ही होता है। सतगुरु, गुरु अनेक मिलेंगे आपको जीवन में, महिला गुरु भी मिल जाएंगी, पुरुष गुरु भी मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु मिलना मुश्किल है। गुरुदेव का मिलना आसान है, पर सतगुरु मिलना मुश्किल है। और जिस समय आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की कृपा से, तो सतगुरु की सत्संग करके उनके श्री मुखारविंद से ईश्वर का दिव्य महिमाओं का वर्णन सुन सुन करके फिर आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि दिव्य गुरु को खोजने में आपको ज्यादा देरी नहीं लगेगी, और आप अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके दिव्य गुरु को खोज निकालोगे, क्योंकि आप स्वयं इतने ज्ञानी हो जाओगे। हम इन दोनों दृष्टियों से केवल संसार को देखते हैं। ये माया रूपी संसार है, छलावे का संसार है, इसे हम दोनों दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा तीसरा नेत्र जो खोलता है दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि जो खोलता है, वो दिव्य गुरु परम इष्ट गुरु ही खोलता है। इसीलिए हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त रहित संत, दिव्य ज्ञान प्राप्त रहित संत से हमें जुड़ना चाहिए। वे सिद्ध साधक महापुरुषों से जुड़ना हमें अति आवश्यक होता है। जिन महापुरुषों को अपने भीतर का तीसरे नेत्र को जागृत करना है, वे दिव्य ज्ञान रहित, दिव्य दृष्टि प्राप्त रहित संत से जुड़ेगा, उसका तीसरा नेत्र अवश्य खुलेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन हजारों हजारों वर्ष से खंडरों के भीतर बैठ करके और ईश्वर की परम दिव्य आराधना कर रहे हैं, जगत अम्बा की दिव्य आराधना कर रहे हैं। उन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना जगत का मोह सताता है, ना कोई भय सताता है। भगवत भक्तों को कभी भय नहीं लगता, ईश्वर के भक्तों को भी कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं होती है, दुर्वचन नहीं बोलते, दुर्भाव नहीं रखते, सद्भाव रहित जीवन यापन करते हैं और अपने भक्तों को भी सिखाते हैं। जब सद्गुरु की कृपा से आपका तीसरा नेत्र खुलता है, तब वह दिखाई देता है जो कभी दिखाई ही नहीं दिया। और जो साधारण जीवन जीते हैं मनुष्य, उन्हें भी जो कभी नहीं दिखाई दिया, वो तब दिखाई देता है जब शरीर के पुर्जे पुर्जे में जंग लग जाती है, चलने के काबिल पैर नहीं होते, बोलने के लायक मुख नहीं होता, क्योंकि दांत ही नहीं होते। जब दांत ही खत्म हो गए तो शुद्ध भाषा कहां से निकलेगी, नहीं निकलती। शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं, राम नाम संकीर्तन नहीं कर पाते हैं,